नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। पिछली कहानी में हमने सुना कि दीपा की मुलाकात निशित से होती है और वो दोनों साथ में बाहर कहीं जाते हैं। अब आगे। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूं। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहां भटकी थी कि कुछ भी बता नहीं पाई। शाम को मुझे निशीत अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहां आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वो अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूं, वो मुझसे प्रेम करता है। वो बहुत अच्छा है, बहुत ही। वो मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती है। मैं दूसरी और मुंह फेर लेती हूं। तुम्हारे यहां आने से बहुत खुश हूं। मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूं, मानो कह रही हूं कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित, कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो, जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। ये सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूं निशित, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूं। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूं। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूं, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी में जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनभुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूं तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है, और मैं, लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वो कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में यहां
बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वो अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ। पानी वानी तो है? बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वो शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वो कह नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन के इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वो कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खीझ। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती है। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वो नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना, जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती है। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वो गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं, मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वो तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वो हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती है। मुझे लगता है ये स्पर्श, ये सुख, ये क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भुलाने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती है। धीरे धीरे वो सब दूर हो जाती है, पीछे छूटती जाती है। मुझे लगता है ये दैत्यकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकने के लिए। अब आगे क्या होगा? क्या दीपा कानपुर जाकर संजय को निशित के बारे में सब सच बता देगी? संजय इन बातों को सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा? ये जानने के लिए इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का। और साथ ही हमसे अपनी बात कहने के लिए या जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और हमें वहाँ मैसेज करिए। और तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी को। शुक्रिया।